subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, आजादी से पहले हमारा देश भारत अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति हुई। उसके बाद लंबे समय अंतराल लगभग 90 वर्षों के बाद सन 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। दोस्तों, ये आज़ादी हमें एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों योद्धाओं के बलिदान के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। इनमें से कुछ योद्धा देश के भीतर जबकि कुछ योद्धा देश के बाहर बलिदान हुए थे। दोस्तों, इन्हीं क्रांतिकारियों में एक नाम है सोहनलाल पाठक। दोस्तों, सोहनलाल पाठक का जन्म पंजाब के अमृतसर जिले के पट्टी गांव में 7 जनवरी सन 1883 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चंदाराम था। दोस्तों, बचपन से ही ये पढ़ाई में तेज थे जिसके कारण इन्हें कक्षा 5 से मिडिल तक छात्रवृत्ति मिलती रही। मिडिल उत्तीर्ण कर उन्होंने नहर विभाग में नौकरी कर ली, जिसके बाद इन्हें और पढ़ने की इच्छा हुई। फिर उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ जब वे विद्यालय में पढ़ाते थे, तब एक बार विद्यालय में जमालुद्दीन खलीफा नामक निरीक्षक आए। उन्होंने बच्चों से कोई गीत सुनाने को कहा। देश और धर्म के प्रेमी पाठक जी ने एक छात्र से वीर हकीकत के बलिदान वाला गीत सुनवा दिया, जिससे वह निरीक्षक बहुत नाराज हुए। उन्हीं दिनों पाठक जी का संपर्क स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल से हुआ। वे प्रायः उनसे मिलने लगे। इस पर विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने कहा कि यदि वे हरदयाल जी से संपर्क रखेंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। यह वातावरण देखकर उन्होंने स्वयं ही नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। जब लाला लाजपत राय को यह पता चला तो उन्होंने सोहनलाल पाठक को ब्रह्मचारी आश्रम में नियुक्ति दे दी। पाठक जी के एक मित्र सरदार ज्ञान सिंह बैंकॉक में थे। उन्होंने किराया भेजकर पाठक जी को भी वहीं बुला लिया। दोनों मिलकर वहां भारत की स्वतंत्रता की अलख जगाने लगे, पर वहां की सरकार अंग्रेजों को नाराज नहीं करना चाहती थी, अतः पाठक जी अमेरिका जाकर गदर पार्टी में काम करने लगे। इससे पूर्व वे हांगकांग गए तथा वहां पर विद्यालय में काम किया। विद्यालय में पढ़ाते हुए भी वे छात्रों के बीच प्रायः देश की स्वतंत्रता की बातें करते रहते। हांगकांग से वे मनीला चले गए और वहां बंदूक चलाना सीखा। अमेरिका में वे लाला हरदयाल और भाई परमानंद के साथ काम करते थे। एक बार दल के निर्णय के अनुसार उन्हें बर्मा होकर भारत लौटने को कहा गया। पाठक जी ने आदेशानुसार बैंकॉक मार्ग से बर्मा में प्रवेश किया और अपना काम बड़ी चतुराई और मनोयोग से शुरू किया। वह फौज में विद्रोह करने में सफल रहे। एक दिन पाठक जी गुप्त रूप से जब फौज के जवानों को देशभक्ति और अंग्रेजों के विरुद्ध मरने मारने का पाठ पढ़ा रहे थे, अचानक एक भारतीय जमादार ने उनका दायां हाथ पकड़ लिया और अपने अफसर के सम्मुख ले जाने लगा। पाठक जी को यह बिल्कुल भी आशंका ना थी। उन्होंने जमादार को काफी समझाया लेकिन वह नहीं माना। पाठक जी उस समय सशस्त्र थे, जमादार का काम तमाम कर सकते थे, लेकिन एक भारतीय भाई का खून बहाना उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्हें लगा कि उनके इस कार्य से उनका क्रांतिकारी संगठन कलंकित हो जाएगा। वे स्वयं गिरफ्तार हो गए, उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों, जेल में उन्होंने कभी भी जेल के नियमों का पालन नहीं किया। उनका तर्क था कि जब अंग्रेज नियमों को नहीं मानते तो उनके नियमों का बंधन कैसा। बर्मा के गवर्नर जनरल ने जेल में उनसे कहा, अगर तुम क्षमा मांग लो तो फांसी रद्द की जा सकती है। पाठक जी ने जवाब दिया, अपराधी अंग्रेज हैं, क्षमा उन्हें मांगनी चाहिए। देश हमारा है, हम उसे आज़ाद कराना चाहते हैं, इसमें अपराध क्या है। दोस्तों, बर्मा में मांडले की जेल में 20 फरवरी सन 1916 की सुबह सोहनलाल पाठक को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। जेल के रिकॉर्ड बताते हैं कि फांसी के समय पाठक जी ने जल्लाद के हाथों से फांसी का फंदा छीनकर स्वयं अपने गले में डाल दिया था। किसी कवि ने ऐसे ही जांबाजों के लिए कहा है, गर्दन अब हाथ से अपने ही कटानी है हमें, मादर ए हिंद पे यह भेंट चढ़ानी है हमें, किस तरह मरते हैं अहरार ए वतन भारत पर, सारे आलम को यही बात दिखानी है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही देश के महापुरुषों की जीवनी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।